हाय फ्रेंड्स, स्मृति किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बालूशाही। बालूशाही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वैसे तो बालूशाही कई प्रकार से बनता है, कुछ सूखी बनती है, कुछ रसीली बनती है। तो आज हम रसीली बालूशाही बनाएंगे, वो भी बिल्कुल हलवाई जैसे। तो अब हम बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम मैदा, 500 ग्राम चीनी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 कटोरी घी और फूड कलर। अब हम घी को हल्का गर्म कर लेंगे। ज़्यादा नहीं गर्म करना है, बस हल्का इस गर्म कर लेना है इसको। हमने यहाँ पे घी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम एक तरफ चाशनी बनने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें एक ग्लास पानी डाल देते हैं और जब तक मेरी चाशनी होती है तब तक हम यहाँ पे बालूशाही की डो बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है। अब हम इसमें एक होल सा बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे बेकिंग पाउडर। अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा और आधी चम्मच हमने यहाँ पे फूड कलर लिया है, वो मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पे घी। अब देखिए हमने यहाँ पे इतना सा पानी लिया है, ये भी मैं पूरी ऐड कर ले रही हूँ इसमें। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। ये देखिए हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। मैं दिखा रही हूँ आपको ये कितना जालीदार बना है। ये देखिए ये कितना जालीदार बना है। ये जितना अच्छा जालीदार बनेगा डो, उतना ही अच्छा हमारा बालूशाही बनेगा। ये देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बालूशाही के लिए हमें बिल्कुल ऐसे ही चाशनी चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम डो को 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब 15 मिनट हो चुका है, हमारा डो फूल के रेडी हो चुका है। ये देखिए ये देखिए इस तरह से अब हम छोटी छोटी लोई कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे लोई बना के तैयार कर चुके हैं। ये देखिए अब हम इस तरह से एक लोई लेते हैं और हथेली पर रखने के बाद इसे बीच में इस तरह से होल कर लेते हैं। हम होल आर पार का कर लेंगे। ये देखिए आर पार के होल करने से ये होता है कि इसमें चाशनी आसानी से अंदर जा सकती है। इसी तरह से हम सारे लोइयां तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारी सारी लोइयां तैयार हो चुका है। अब हम इसको तल लेंगे। तो हमने पहले से ही कढ़ाई को गर्म करके रखा है। ये देखिए हमें तेल को बिल्कुल सीम आंच पे रखना है, हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है और इसे हम सीम में ही तलेंगे। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल रखना है। एक बार में 3 से 4 ही आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि ये फूल के काफी बड़ा हो जाता है। ये देखिए साइज में कितना फूल गया है, देख रहे हैं आप, ये कितना छोटा था और ये कितना बड़ा फूल के हो चुका है। आप इसे हल्के हाथों से ही इसे चम्मच की सहायता से इसे इस तरह की चम्मच ले और इसे चम्मच से ही पलटे हल्के हाथों से, ये बिल्कुल टूटने का डर रहता है। इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। हमने यहाँ पे सभी बालूशाही को तल के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ के, ये कितना मुलायम बना है आप देख सकते हैं। ये देखिए
अब मैं इसको चाशनी में डालूंगी। अब हम इसके चाशनी में इसको डाल देंगे, ये देखिए, और 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम चाशनी में ही छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हमने इसको निकाल लिया है चाशनी में से। अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे, ये देखिए पिस्ता से हमने इसको डेकोरेट कर लिया है। हमने यहाँ पे सिल्वर सीट से भी डेकोरेट कर लिया है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।